जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो दस पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पहले पुराने समय में कांसी धातु के बेले थाली होते थे, तो उनको छुपाया करते थे, वर्षा के दिन घर में रख देते थे कहीं बिजली ना गिर जाए, क्योंकि वो उस पर उसका अट्रैक्शन होता है। इसी प्रकार जो अच्छी आत्मा दृढ़ भक्त होते हैं, उन पर परमात्मा का विशेष आकर्षण होता है और उनको उस बिजली वाले सिद्धांत से प्राप्त होते हैं। आप जी आँखों देख रहे हैं उन पवित्र सदग्रंथों को जिनका केवल हमने नाम नाम सुन रखा था। दास बता रहा था कि सन 1988 तक और सन 2001 तक दास ने वेदों का ये नहीं पता था ये कैसे होते हैं। वेद सुने सुने थे और आज बच्चा बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग भाई बहन सब इन वेदों को पढ़ रहा है और समझ रहा है और इनके ज्ञान को घोट के सब ने सुना रहा है। अब फिर देखिएगा और थोड़ा सा क्लियर करते हैं, फिर आपको कथा सुनाते हैं। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 आप पढ़ रहे हो, आपने प्रथम मंत्र पढ़ा अभी, अब दूसरा पढ़ेंगे यहाँ पर। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी ज्ञान देने के लिए, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली की तरह चलकर हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, इन्होंने सर्वज्ञ अर्थ गलत कर दिया। यदि यजुर्वेद का अर्थ कर दे तो उसने कैसे पहचानेंगे, कोई पुस्तक है अनमोल, तो ये कबीर देव हैं। आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोमन हे अमर परमात्मा हमको सुख दें। और फिर तीसरे श्लोक में मंत्र में 9:82:3 में पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं। जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है वहाँ परमात्मा उपस्थित रहते हैं गुप्त रूप में। पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए सर्वव्यापक नहीं, ये तड़ंगाड़ा अपनी आप है, आप माने आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं, यानी आप स्वयं चलकर आते हो, गतिशील होकर आते हैं। अब परमात्मा भी यही कहते हैं कि चारों युग में संत पुकारे कूक कया हम हेल रे, ईरे माणिक मोती बरसे यो जग जुगता ढेल रे। वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नहीं और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। परमेश्वर ने कहा कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो इनको समझे नहीं। फिर क्या कारण रहा, गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये सभी अज्ञानी थे क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले। और जब परमेश्वर आए थे इनका अज्ञान हटाने के लिए, तब ये अभिमान में अभिमानवश नहीं मानने ये ब्राह्मण ऋषि, इन्होंने अपना भट्ठा बैठा लिया और साथ में पूरे विश्व को गुमराह कर दिया, पूरे हिंदू समाज को गुमराह कर दिया, जिसका दुष्परिणाम आज हमारे सामने हो रहा है। जैसे हम मध्य प्रदेश में गए हमारे भक्त ये पुस्तक बांटने के लिए, जबलपुर में ऐसा ही इन अज्ञानियों के भ्रमित किए हुए उन सब बोली आत्माओं ने हमारे भक्तों के साथ मारपीट की, जेल भिजवा दिए। कटनी में ऐसा ही किया, एक शहर है, और अब छिंदवाड़ा में 3-4 दिन हाहाकार करके, और जबकि सब अधिकारियों को पता है इस पुस्तक में कोई ऐसी गलत बात नहीं, सारी रात उन अधिकारियों ने पढ़ा है, SP, DC, कमिश्नर, IG ने हाहाकार,
तो ये तो मान लिया कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन दबाव मारकर झूठा केस बना के हमारे बच्चों को जेल भेज दिया। अब इसके पीछे हम नाराज नहीं होते इनसे, हमें मालूम है, हम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते। जैसे एक संत नाव था इंद्रिया में, साधु भक्त, बिच्छू आ गया डूबता हुआ, और वो डूबे और उसने नीचे हाथ दिया पानी में, उसको निकालना चाहा, उसने डंक मारा, डंक मारती हाथ ऐसे दर्द हुआ, उसने नीचे छोड़ दिया, वो फिर डूबने लगा, उसको फिर उठाया, फिर डंक मारा, फिर उठाया, फिर डंक मारा, आखिर में उसने हिम्मत सी करके उसको पकड़ के यूँ बाहर फेंक दिया जल समेत। एक व्यक्ति स्नान कर रहा था, कोई ऐसे ही मनमुखी जो भक्त भगवान से परिचित नहीं था, वो कहने लगा, भगत जी आप भी कति मूर्ख हो, अरे ये तेरा डंक मार रहा है और तू इसको बचाने की चेष्टा कर रहा है, चल एक बार होगी थी होगी बात, मरने दे उसको, डूबने दे। तब संत ने कहा, भगत ने कहा कि भाई इसका स्वभाव ऐसा है कि भला करते भी ये बुरा करते हैं, और मेरा स्वभाव ऐसा है कि हम इनको डूबने नहीं दें, हम हमारे अंदर दया भरी पड़ी है, जब ये अपना स्वभाव नहीं त्याग रहा तो मैं कैसे छोड़ दूं अपने स्वभाव को, हम मैं हार माननीय को न। तो पुण्यात्माओं, ये तो इन अज्ञानी ऋषियों ने बिच्छू बना दिए और अब ये डूब रहे हैं, हमारे पूर्वज डुबो दिए, अब हम सोच रहे हैं किसी प्रकार इनको इससे ऊपर उठाएं, और ये डंक मार रहे हैं और हम फिर भी चेष्टा कर रहे हैं और करते ही रहेंगे, कभी तो ये बाहर पड़ेंगे जाकर, कभी तो आंखें खुलेंगी इन बोली आत्माओं की, फिर रोया करेंगे बैठकर, हमने जुल्म कर दिया अपने भाइयों और बहनों के साथ, ऐसा जुल्म किया, फिर पछताया करेंगे और पूरा विश्व गुणगाया करेगा उस कबीर भगवान की। ये दास वो दिन देखना चाहता है कि किस दिन आए परमात्मा के सब बच्चे, और पूरे विश्व में परमात्मा ने लिखा, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले धर्मदास से कह दिया था कि कलियुग की पिछली पीढ़ी में जब ये ज्ञान प्रचार किया जाएगा उसमें मैं आऊँगा, या अपने कोई प्रतिनिधि को भेजेंगे, पूरे विश्व मेरा ही ज्ञान होगा, मेरी ही भक्ति होगी, और कोई भक्ति विश्व में रहेगी नहीं, जो भक्ति करेगा तो यही करेगा। तो परमात्मा का वचन खाली नहीं हो सकता, मिट नहीं सकता, ब्रह्मांड नष्ट हो सकते हैं, परमात्मा का वचन खंड नहीं हो सकता। उस दिन की अब शीघ्र ही आने वाला है ऐसा लगता है, परमात्मा के बच्चे कितने जागरूक होंगे, 10वें दिन समागम होता है, आना जाने वालों की कितनी भीड़ लगने लगी है, और वो नकली तो 6 महीना में एक बार करें, वो सारे इकट्ठे हो जाने, सोचो पता नहीं कितने का आगे, अब यहाँ बेचारे अपना टाइम सा निकाल कर आते हैं, एक समागम में कुछ परिवार के सदस्य आते हैं, दूसरे में कुछ आते हैं, तीसरे में ऐसे अपना सत्संग सुनते रहते हैं, और काल के उसको दोनों भी खींच रहे हैं। तो इस प्रकार अब वो दिन ऐसा लगता है शायद शीघ्र ही आ जाए, और सभी सुखी होंगे, पूरे विश्व में शांति होगी, ये हाहाकार मच रही, जजों के बारे में भी ये हाहाकार मच रही है कि कुछ जज भी भ्रष्ट हो गए, बता फिर कहाँ रह गया ये संसार में, इन जनता और राजनेताओं का पीड़ित किया हुआ व्यक्ति कोर्ट की शरण में जाता है, और वहाँ कोई किसी भ्रष्ट जज का चढ़ जाए तो वो उसका नाश कर देता है। तो ये माया के लिए पैसे की आग लगी सब कहे, दीन धर्म खत्म होने लगे, तो फिर क्या होगा कि ये हवस खत्म हो जाएगी, सतगुर मिले तो इच्छा मेट पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊँ जो आज वरस था। आज जो माया को जोड़ना चाहते हैं फिर इससे हाथ जोड़ेंगे कि यह घणी ना आवे, हाथ जोड़ना पड़ेगा, भगवान हमने घणी नहीं चाहिए, सिर्फ टाइम पास करना ही आपको दिखाई देगा। तो प्रसंग चल रहा है कि आपको दिखाते हैं कबीर इज गॉड, और वो परमात्मा ऐसी लीला करता है जो वो पहले कर चुके हैं, प्रत्येक युग में करते आए हैं, आज उस परमेश्वर को पहचानने के लिए कौन तथा कैसा है भगवान, ये हमारे सदग्रंथ प्रमाणित कर रहे हैं, प्रमाणित हैं, इनको हम सच पहले से ही मानते आ रहे हैं। अब देखिएगा
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 का ये मंत्र नंबर 1, इसमें स्पष्ट लिखा है, कबीर देव, देव माने परमेश्वर, कबीर कबीर देव वह परमात्मा, कबीर देव है, यहां लिखना चाहिए था यजुर्वेद की तरह, वो कबीर देव है और सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तरकृष्ट करने वाला है, यानी आध्यात्मिक ज्ञान में सबको पराजित कर देता है वो परमात्मा। आप परमात्मा जिन जिन महापुरुषों को मिले उनमें से अभी आपको नाम बताए थे, उनमें से एक हैं जो परमात्मा उन दृढ़ भक्तों को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनमें से एक दादू साहेब जी हैं। दादू साहेब जी 7 वर्ष के थे, बच्चों में खेल रहे थे गांव से बाहर बनी में। परमात्मा कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब उसी विधान से कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाशे। पुणात्मा, जो पुणात्मा एक बार परमात्मा के शरण में आकर इस नाम से जुड़ गया और गुरुद्रोही हुआ नहीं, भक्ति ना की कुछ की, वो रह गया काल के जाल में, फिर उसका जन्म ब्रह्म मैट्री तोड़नीय है, परमात्मा फिर भी उस प्यारी आत्मा के साथ रहते हैं। इसी दृष्टिकोण से 7 वर्ष की आयु में जब दादू साहेब जी थे, परमात्मा आए जिंदा महात्मा के रूप में, उनसे बातचीत की। अपनात्माओं, जैसे बच्चे जो पिछले संस्कारी होते हैं बचपन से ही बहुत अच्छे श्रद्धालु होते हैं, दयालु होते हैं, जैसे नानक साहब जी के बारे में हम सुना करते थे, पढ़ा करते थे कि उनके पिता ने सौदा करने के लिए भेज दिया क्योंकि वो व्यापारी थे, 500-700 रुपये दे दिए और वहाँ साधुओं को भंडारे कर दिए, उनका स्वभाव होता है ऐसा। ऐसे ही जब परमेश्वर कबीर जी आए साधु रूप में, जिंदा महात्मा रूप में, तो बालक दादू जी ने चरणों में प्रणाम किया और बहुत प्यार से उनसे बात करने लगे, आज महाराज जी बैठ जाओ, आप कौन हो, कहाँ से आए हो। फिर परमात्मा ने अपने सारी कहानी सुनानी की शुरू की, तो उस समय वो चर्चा सुनाते सुनाते परमात्मा उनकी आत्मा को निकाल कर ले गया, दादू साहेब अचेत हो गए, बेहोश हो गए। गांव में आकर बच्चों ने बताया कि एक बाबा जी ने पता नहीं क्या कर दिया, बाबा जी चला गया और दादू जी, दादू राम नाम था इनका, दादू राम बेहोश हो गए, घर के उठा के लाए, घर ले आए, वेदों को दिखाया, सब ने जंतर मंत्र भी कर लिए, होश में नहीं आए। तीसरे दिन 3 दिन और 3 रात बेहोश रहे और तीसरे दिन परमात्मा ने उस आत्मा को वापस भेज दिया, ऊपर का सब कुछ अपनी सामर्थ्यता दिखा करके, अपना सामर्थ्य से परिचित करा के, सभी ब्रह्मांडों को दिखा करके वापस छोड़ दिया। तब दादू साहेब जी ने परमात्मा की महिमा कलम तोड़ बोली है, कही है, जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपार, दादू गुण के ताक हूं कहते न आवे पार, कबीर कृता आप है दूजा ना कोए, दादू पूर्ण जगत को हो भक्ति दृढ़ा में सोए। पूरे जगत को दादू साहब कह रहे हैं केवल कबीर जी ही भक्ति का यथार्थ मार्ग देते हैं और किसी के पास नहीं। ठेका पूरा होवे जब सब को तज शरीर,
दादू का लगन जय नहीं ही जपे जो नाम कबीर। दादू साहब जी कह रहे हैं कि एक दिन मृत्यु तो सभी की होगी जब समय पूरा होगा, लेकिन उस समय परमात्मा का सत नाम, कबीर जी का यथार्थ नाम जिसके पास है, उसको काल पकड़ नहीं सकता, रोक नहीं सकता। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आ मिले चनमाही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने, भृंगी सत्य कबीर ने है कीन्या आप समान। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्यान, वारो नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथे, धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े आथे। सुन सुन साख कबीर की, साख माने महिमा, परमात्मा की समर्थता की वाणी को सुन सुन कर, और काल का कहते माथा झुक जाता है, आए समर्थ की वाणी कौन बोल रहा है, मेरा तो नाश हो गया। इसलिए तक कबीर परमेश्वर की वाणी को इसने रिजेक्ट करवा रखा था, और जो परमात्मा कबीर जी की वाणी भी पढ़ते हैं वो भी बहुत सी आपदाओं से बच जाते हैं, लेकिन मोक्ष होगा पूरा कोर्स करने से, पूरा ही। जैसे कोई रोगी है उसको कोई पीने की दवाई कैप्सूल टेबलेट्स दे रखी हो सारी ही खानी पड़ेंगी, तो ऐसे परमात्मा को पाने के लिए तीन मंत्र का जाप, यज्ञ जो पांचों यज्ञ, दान धर्म सेवा सत्संग श्रवण, ये सभी करने पड़ते हैं। सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथ, मस्तिष्क नवा लेता है काल, नीचा कर लेता है। दन दन हो तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ, केरी नाम कबीर का ये विखम काल गजराज। दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुन के आवाज। अब क्या बताते हैं 21 ब्रह्मांड में, अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन भगवान क्लियर कर दिए इसने, सर्वपुरुष अक्षर पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुषत्व अन्य है, पुरुषोत्तम तो कोई और है, वो तीनों इन दोनों से अलग है, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वही वास्तव में अविनाशी है, उसी को परमात्मा कहा जाता है। फिर 15वें जाके 18वें श्लोक में अपने विषय में कहता है कि मेरे 21 ब्रह्मांड के अंदर जितने भी प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूँ, उनसे मैं तगड़ा हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हो रहा हूँ। लोक वेद के आधार पर दंत कथा से मैं, क्योंकि जितने भी मेरे अंतर्गत प्राणी हैं इनसे मैं तगड़ा हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। लेकिन उत्तम पुरुषत्व अन्य पुरुषोत्तम तो कोई और है, 15वें जाके 17वें में कति क्लियर कर दिया। तो यहाँ दादू साहेब जी का कहने का तात्पर्य भी यही है, क्या कह रहे हैं, केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। जैसे हाथी कितना तगड़ा कितना मजबूत प्राणी होता है, पशु है, और जंगल में मदमस्त घूमता है, परमात्मा कहते हैं यो काल भी छोटी माया को ना, इसने तो समझ लो हाथी है यो, और हाथियों में भी गजराज यानी हाथियों का भी राजा सबसे तगड़ा, क्योंकि जिसमें शक्ति ज्यादा हो वो राजा हो आकर, इस काल के लोक का भी धान है, जिस दौरा 10 लठ ज्यादा हो गए वो राजा हो गया, जिसके पास सेना घनी होगी वो राजा हो गया, जिसकी पहले अपनी ताकत जिसके पास अधिक होती थी वो राजा होता था, सब ने कूट छेद के अपना सीधा कर ले तक मेरे अधीन हो जाओ।
तो जैसे इस काल को तो समझो अथि अस्थि, और परमात्मा के इस नाम को मंत्र को समझो, कबीर जी को समझो बब्बर शेर केहरी, और अथि कितना तगड़ा हो और आसपास आके शेर एक बार अपने चंगाड़ मार दे, अपनी एक बार दहाड़ मार दे, अथि लीद कर देता है और मुंडी गोवर भाजन की सोचा करो आ गया पाछे थे। केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। ये खुद भी कहता कि मैं तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ, आई एम नॉट पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम तो कोई और है। गीता जी दैन विराट के श्लोक नंबर 1 के उत्तर में मंत्र 3 में कहा कि वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म जो मूल संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो है। पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लाए, हाथी के असवार को हो श्वान काल नहीं खावे। पुणात्मा उदाहरण दे रहे हैं दादू साहेब जी और ऐसे सभी संतों ने बताया है जो परमात्मा से परिचित हुए कि जिसने कबीर परमेश्वर जी की विधिवत शरण ले ली, पूर्ण संत के माध्यम से परमात्मा का प्रोटेक्शन पा लिया जैसा आप जी को उपलब्ध है, तो आप ये समझो कि आप हाथी पर बैठ गए, आप जी हाथी पर सवार हो गए और आपको अब कुत्तों के काटने का भय मिट गया। हाथी गांव में जाता है, हम देखा करते थे ये आते थे दाने मांगनिए कनक मांगते फिरते थे हाथी के साथ, तो गांव के तकरीबन उस एक कॉलोनी के सारे कुत्ते इकट्ठे हो गए और हाथी को देखकर विशाल काए और उसने सोचा करते यू के आ गया, उसने भौंकया करते कम से कम 20-20, 30-30, 50-50 कुत्ते इकट्ठे हो जाते, पर हाथी से वो 50 फुट दूर रहते थे। अब जैसे आपको बताना चाहते हैं दादू साहब जी कि आप जी कबीर जी का नाम लेकर के ऐसे समझो हाथी पर बैठ गए और काल में समझो कुत्ताई भी, उदाहरण दे रहे हैं डिफरेंस बता रहे हैं शक्ति और पावर और प्रोटेक्शन का। आप हाथी पर बैठ गए भी और काल को समझो कुत्ता, अब हाथी पर बैठे व्यक्ति को कुत्ता किसी प्रकार से भी हानि नहीं पहुंचा सकता, यानी उसकी रेंज से उसकी पहुंच से बाहर हो गए आप। कुत्ता प्रथम तो हाथी के निकट नहीं आ सकता, आ जा तो ऊंचाई गणी और एक सूंड मार दे तो उसका टट्टी पेशाब निकल जाए कुत्ते का। तो क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लाए, हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खाए। आप काल के रेंज से पहुंच से बाहर हो गए जिन्होंने परमात्मा का नाम ले लिया, लेकिन मर्यादा में रहोगे तो बचोगे। यदि आप हाथी ते नीचे कूद गए छलांग लगा गए, यदि आपने मर्यादा तोड़ दी नाम खंड हो गया भगवान की शरण आपसे हट गई। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंप नहीं तुम्हारा उदर जात है वंश। पंजा दस्त कबीर का, कबीर परमेश्वर जी के हाथ को अपने सिर पर यानी आशीर्वाद भरा हाथ आपके सिर पर रखो यानी मर्यादा मत तोड़ो, तो आपका भी उद्धार और आपके पूरे खानदान को वंश को पार कर देगा परमात्मा। तो ऐसे हाथी के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को काल कुत्ता हानि नहीं कर सकता, काल रूपी कुत्ता, और आप हाथी ते नीचे पड़ गए नीचे उतर गए तो काट के खा जाएंगे, वो तो नरे पीछे लग रहे हैं। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीड़, दादू दिन दिन ऊंचा हो है परमानंद सुख सीर। दादू नाम कबीर की जो कोई लेवे ओट, तिनको कभू लागे नहीं ये काल बदर की चोटे।
अब दादू साहब जी कह रहे हैं कि जो परमेश्वर कबीर जी की ओट में आ गया, उनकी आड़ ले ली, शरण ले ली, उनको काल के अटैक नहीं होंगे। काल के अटैक कैसे होते हैं? अब ये क्या करता है, जब तक इस पुण्यात्मा के पुण्य साथ हैं तब तक ये कितने तो जुल्म करो और कितनी उच्च पदवी प्राप्त कर लो, और जिसमें इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, पुण्य समाप्त हो जाएंगे, भविष्य में कोई सत साधना इसके पास नहीं है, प्राणी के पास, फिर तुरंत अटैक कर देगा, इसको मार देगा। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, काजन में पाले पोसे खूब लड़ाए लाडे, ना जाने इस देह के कहाँ खंडेंगे आड़। हाय हाय, परमात्मा कहते हैं कि देखो, हमें समझाना चाहते हैं, माता पिता ने तुमको कितने प्यार से पाला पोसा और कितने लाड किए आपके, और ना पता, और आप फिर उसी प्यार के वश इस परिवार को, संपत्ति को अपना मानते हो। परमात्मा कहते हैं, ना पता कित आड़ खंडेंगे इस शरीर के। परमात्मा कहते हैं, कबीर कहाँ गर्भी हो काल गह कर केश, ना जाने कित मारेगा भाई के घर के परदेश। आप जी परमात्मा के इस ज्ञान से प्रभावित हो जाते हो, होना चाहिए, क्योंकि आपको डर लगना चाहिए कि भगवान इतनी दूर से आकर परमेश्वर हमें क्या बताने आए थे, और क्या वो कोई भाठ नहीं थे, कोई डूम नहीं थे, उनका कोई उद्देश्य रोजी रोटी का धंधा नहीं था, वो तो अपने कपड़ा बन के खुद खाया करते थे और शेष बचे हुए को भंडारा करते थे। अब पुण्यात्मा एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जावा था, और हेलीकॉप्टर पता नहीं जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है इन्वर्टर की, तो फिर घोर अंधेरा हो जाता है। उसका तीसरे दिन शव मिला था, और वो जब चल रहा था हेलीकॉप्टर में, क्या क्या उम्मीदें होंगी, क्या क्या आशाएं होंगी, ऐसे कर दूंगा, जल्दी चलता हूँ, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। परमात्मा की वाणी याद रखनी चाहिए कि कहाँ जन्मे पाले पोसे खूब लड़ाए लाड, ना जाने इस देह के कहाँ खंडेंगे हाड। ऐसे ही करना अरुणाचल का मुख्यमंत्री पीछे सी, उसकी तो मेरे ख्याल 6-7 दिन में लाश पाई, वो भी ऐसे मृत्यु को प्राप्त हुआ। ऐसे एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, कैबिनेट, जिसमें 96 आदमी थे, प्रधानमंत्री तक एक एयर क्रैश में जहाज के एक्सीडेंट, हवाई जहाज के एक्सीडेंट होने से सारे मर गए। और उससे पहले वो के कुफर तोल रहे होंगे, कितने अपना सता रहे होंगे, पता नहीं के क्यों उम्मीद लगा रहे होंगे। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, कबीर कहाँ गर्भी हो काल गह कर केश। कहते काल तेरे बाल पकड़ेगा, और पकड़ के बाल सिर के पता नहीं कित पटकेगा ठाके, ना जाने कि तुम्हारेगा यो क्या घर क्या परदेश। करा कित ठोक देगा, जब सांस पूरे होंगे वहीं एक सेकंड का भी समय आपको काल नहीं देगा। और जिस समय आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ जाओगे, ये वज्र है काल के, वज्र माने ये भयंकर हथियार, तीर। जब लग हंसा हमरी आना काल लग नो तेरा बाण। जब तक हंस तू मेरी आन कान में मर्यादा में रहेगा, तब तक इस काल का अटैक मेरी आत्मा पर नहीं हो सकता, तब तक तेरा ये काल के ये चोट काल नहीं मार सकता आपके, जो इस तरह ये मार रहा है।
तो यहां दादू साहिब जी क्या बताते हैं, दादू नाम कबीर की जय कोई ले वे ओटे, तिनको कभूला गए नहीं काल बदर की चोटे। किसी का बेटा मार दिया, किसी बेटी मार दी, ये घटना नहीं घटन देगा। नियत साबत से मर्यादावत आधीनी पूर्वक सत साधना करते हुए दान पूर्व करते रहेंगे परमात्मा की मर्यादा अनुसार, तो ये घटना परमात्मा नहीं घटने देता। हम गलती कर देते हैं, थोड़ा सुख होते ही हम भूल जाते हैं, परमात्मा के नियमों का उल्लंघन कर जाते हैं लोक लाज में आके। अब किस प्रकार हमने साधना करने से परमात्मा कबीर जी हमारी मदद करेंगे। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। यानी परमात्मा से लाभ लेना है ना, तो तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे। अब तन मन शीस ईस कैसे चढ़ाना होता है, एक संत था उसने अपने शिष्यों को रोज शिक्षा देता था, भाई गुरु जी के आदेश का पालन करना चाहिए, वो भगत सही है, और जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है, अवहेलना करता है, उसकी भक्ति नाश हो जाती है। अब जिन भक्तों ने घर त्याग दिया परमात्मा के लिए आगे हैं, तो गुरु जी के आदेश का पूर्ण पालन ही करते हैं, वो फिर अग्रम मग्रम बकवादों में नहीं बढ़ते हैं। ऐसे कुछ भक्त आश्रम में रहते थे उस गुरु जी के साथ, और उनको वो शिक्षा दिया करता था, भाई जो गुरु वचन पर डट गे रकट गे फंद चौरासी के, भाई जो गुरु वचन पर डट गे रकट गे फंद चौरासी के, कट गे फंद चौरासी के, रकट गे फंद चौरासी के, भाई जो गुरु वचन पर डट गे रकट गे फंद चौरासी के, वस्तु मिले ठोड़ की ठोड़ मिट गी मन पापी की दौड़, वस्तु मिली ठोर की ठोर मिट गी मन पापी की दौड़, भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के, भाई जो गुरु वचन पर डट गे रकट गे फंद चौरासी के। अब ऐसी शिक्षा देकर उन भक्तों को थोड़ी सी देर बाद पीछे कहता है वो गुरुजी, कभी आ जाओ बच्चों, मेरी एक आज्ञा है तुम्हारे लिए। अक बोलो गुरुदेव क्या है, कि मेरे सिर में पांच पांच जूते मारो। अब गुरु परमात्मा के तुल, गुरु से जो व्यवहार भगवान से माना जाता है, अब वो पांच सात भक्त सारे सकते में आ गए, कति पत्थर हो गए। अब क्या करें, आज्ञा का पालन ना करें तो भक्ति नाश, और गुरु जी की तरफ हाथ कर दिया, हमारे जैसा दुष्ट नहीं कोड लगे, चुप हो गए। गुरु जी ने कहा रही क्या शिक्षा दे रहा था, वह गुरु जी की आज्ञा का पालन कीजिए, नहीं तो भक्ति नाश हो जाती है। तो कुछ एक न तो मन में सोच लिया, भाई गुरु जी की तरफ हाथ नहीं हो सकता, भक्ति नाश हो चाहे ना हो। एक बुद्धिमान था खड़ा हुआ, जूता निकाला और गुरु जी के निकट पहुंचकर अपने सिर में पांच मारे पट्टाए पट। अब गुरु जी कहने लगे, भाई डंडी मत मारे, मैंने तेरे सिर में नहीं कहा, मेरे सिर में कहा, मेरे मार। तब उस चेले ने कहा शिष्य ने, के गुरुदेव ये दास का शीस भी तो आपका ही है, क्या इसको आप दूसरा समझते हो। तो पुणात्मा ऐसे कहते, सिरसों प्या गुरुदेव को सफल हुआ ये शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। जब भगवान के वाला कर दिया, आप रुखाड़ा होगा इसका या मट्टी का मैल, यू तो खत्म होना ही होना है।
लेकिन परमात्मा की शरण में नो, काल के द्वारा डिस्टर्ब नहीं हो सकता। जब परमात्मा चाहेंगे तब ही आपको यहां से लेकर चलेंगे, निकाल का ब्यों तो नहीं, आपने खत्म कर दिया मार दे। जम जो राजा से डरे और मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। जैसे दादू साहिब जी को मिले परमात्मा, जैसे नानक साहिब जी को मिले, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे, छुड़ानी वाले को, गांव छुड़ानी जिला दुदर हरियाणा वाले को। उन्होंने कहा था कि जम जोरा, जम माने ये यम काल, जोरा माने मौत। जम जोरा जा से डरे मिटे कर्म के लेख, आपकी आयु भी बढ़ा देता वो परमात्मा, वेद गवाही देते हैं। और अदली असल कबीर है, अदली माने न्याकार, न्याकारी, असली माने वास्तव में परमात्मा कबीर जी ही हैं, न्याकारी भी वही हैं और सबके सतगुरु भी वही हैं, सबको तत्व ज्ञान देने वाले भी वही हैं। काल जो पीस है पीसना, ये जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबारे। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। गरीबदास जी कह रहे हैं मेरे कबीर भगवान के दरबार में ये मौत और यु काल दोनों मजदूर हैं, उसके उसके आदेश बिना ये हमारे आपकी तरफ झांक भी नहीं सकते। कहते काल तो पीस है पीसना, यानी एक मजदूर जैसे गुलाम होते थे साहूकारों के, आटा पीसा करते थे और कोई पानी भरा करते थे कुओं से ला करके। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं ये काल और ये मौत जो ऐसे ऐसे राजाओं को खा जाती है, जो निराधार घूमते हैं भगवान की शरण जिनको नहीं है, वो कहते हैं मेरे दर मेरे कबीर परमात्मा के दरबार में ये उसके असली मजदूर हैं। और काल ड्रे करतारते, युगीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। तो ये काल कहते हैं कबीर परमात्मा से डरता है, जैसे अभी आपने उपमा सुनी दादू जी की वाणी के माध्यम से, केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज, दादू कबीर के नाम ते भजन ते हर भाग्य सुनता आवाज। वही गरीबदास जी कह रहे हैं कि काल ड्रे करतार से, करतार कौन, कबीर जी, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सर्जनहार। तो ऐसे समर्पित हो परमात्मा के चरणों में, फिर देखना मालिक की लीलाओं को। तन मन शीश ईश अपने पे, तन मन शीश ईश अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे। हो जी जब कोई राम भक्त गत पावे, हो जी सतगुरु तिलक अजप्पा माला युक्त जटा रखवावे। सतगुरु तिलक अजप्पा माला युक्त जटा रखवावे, जत को पीन सत का चोला भीतर वेख बनावे, जब कोई राम भक्त गत पावे। हो जी जब कोई राम भक्त गत पावे, हो जी लोक लाज मर्याद जगत की तृण ज्यो तोड़ बगावे। लोक लाज मर्याद जगत की तृण ज्यो तोड़ बगावे, कामनी कनक जहर कर जाने वो शहर अगमपुर जावे, जब कोई राम भक्त गत पावे। हो जी
जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। जो पति बरता पति से रती आन पुरुष ना बावे। जो पति भरता पति से रती आन पुरुष ना बावे। बस पीहर में सुरत प्रीत में न्यो कोई ध्यान लगावे। जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। निंदा सतुति मान बढ़ाई मन से मार गिरावे। निंदा सतुति मान बढ़ाई मन से मार गिरावे। अष्ट सिद्धि की अटक न माने आगे कदम बढ़ावे। जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। आशा नदी उलट के डाटे आडा बंध लगावे। आशा नदी उलट के डाटे आडा बंध लगावे। बव जल खार समुंदर में बहुड़ न खोड़ मिलावे। जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। भाई गगन महल गोबिंद गुमानी पलक माही पहुंचावे। गगन महल गोबिंद गुमानी पलक माही पहुंचावे। नितानंद माटी का मंदिर ये नूर तेज हो जावे। जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। अब ये नितानंद जी जो थे ये विष्णु जी के उपासक थे और एक गुमानी दास नाम के वैष्णव परंपरा के संत से उपदेश ले रखा था। फिर इसने साथ साथ कबीर परमेश्वर जी के ग्रंथ का भी अध्ययन कर लिया। इसने फिर अपनी वो खिचड़ी ज्ञान से मिला मलोक है महिमा तो सतलोक की गाने की चेष्टा की है, लेकिन वो सतनाम वास्तविक मंत्र ना होने से ये वो यथार्थ स्थान प्राप्त नहीं कर सके। फिर भी हमने इन्होंने जो मार्गदर्शन किया है इसका बहुत कुछ अच्छा निष्कर्ष हम अपने हिसाब से निकाल लेंगे। इसमें वही परमेश्वर के द्वारा बताई हुई वाणी है कि लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए और यो मन संत को दीजिए तो गोविंद पाइए। उसी के आधार से ये क्या कह रहे हैं परमात्मा के पाने में सबसे पहले क्या बताते हैं सतगुरु तिलक। तिलक लगाते हैं ना कि सबसे आदरणीय स्थान होता है माथा मस्तिष्क, यहाँ तिलक लगाते हैं। कहते हैं इस तिलक की जरूरत को ना अपने गुरुदेव को सिरोधार्य रख, गुरुदेव को ही तिलक समझ ले, माथे के मोड़ तिलक गुरु जी को इतना सत्कार दे तू, इतना अपना उसको तिलक के रूप में सबसे आगे रखे, सबसे पहले तिलक दिखाई देता है भगत का, तो कहते हैं गुरु जी को इतना सत्कार दे दू। और अजप्पा माला सांस का सिमरण हो, और ये ऊपर बड़ी बड़ी जटा रखाने से नहीं सत्साधना की जटा रखा। और जत को पीन सत का चोला, यानी अपना धर्म पर रहे, जैसे यति पुरुष होता है जति सती बोलते हैं जिसको, सती वो बहन होती है पति भरता स्त्री, और जति जो एक पत्नी व्रत रखता है उसको जति बोलते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी देव भगवान से किसी प्रकार की आध्यात्मिक लाभ की इच्छा मत रखना, नहीं तो तू जतपणे से गिर जाएगा, यानी पति भरता पद से गिर जाएगा। फिर क्या बताते हैं लोक लाज मर्याद जगत की तिरण ज्यों तोड़े बगावे। सबसे बड़ा दुश्मन है ये लोक लाज, और कहते हैं इसको जैसे डिकड़ा सा तोड़ कर फेंक दे इस लोक लाज का, तब भगवान के निकट आएगा। परमात्मा कहते हैं को
कुलकर्णी के कारण अंसा गया बिगो, यानी कुल की लोक लाज के कारण इसने नाश कर लिया, अपनी भक्ति संभाली नहीं। और कहते फिर ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। आज तक लोक लाज मां के है मरी नहीं छोड़ता, पिछली पूजाओं को साधनाओं को घरवाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। कहते फिर यू कुल तेरी के मदद करेगा जब तू चौपाया पशु बन जाएगा, ये कुछ नहीं मदद करेगा, और ये साधना और ये दृढ़ता तेरी सदा काम देगी। अब मीराबाई का भी इतिहास आप देखते हो, कितना उसने संघर्ष किया अपने ज्ञान होने के बाद। पहले तो मंदिर में जाया करती थी, फिर परमेश्वर कबीर जी और रविदास जी उनको सत्संग करते हुए मिल गए जब वो मंदिर से आ रही थी। उसके बाद उस इतनी दृढ़ होगी कि सचमुच परमात्मा कोई और है, और उन्होंने पहले रविदास जी से उपदेश लिया, फिर परमेश्वर। अब रविदास जी से उपदेश इसलिए लिया, दिलवाया परमेश्वर ने, कि वो ठाकरों की लड़की थी, रविदास जी चमार जाति से थे, इसकी फड़क निकाल दें, कहीं इसके अंदर जातीय अभिमान ना रह जाए, और अभिमान जीव का शत्रु है, किसी भी प्रकार से किसी भी दृष्टिकोण से मान बढ़ाई आगे तो भगवान साथ नहीं देता। तो मीराबाई भी पक्की थी, जब रविदास जी ने कहा कि बहन मैं चमार जाति से हूँ और आप ठाकुरों की बेटी है, कल ने देख लिया दुनिया तुझे जीने नहीं देगी, कहा मुझे गुरु बनाने आ गई तू। तो मीराबाई ने कहा कि उन महात्मा ने कहा, वही थे कबीर साहब दोनों, उनकी लीला कबीर जी की लीला थी, बोली बतलाई बात थी, उन्होंने कहा है, और महाराज जी मैं कच्चे काम नहीं करती, आप मेरे पिता में आपकी बेटी, मन नाम दे दो, बाढ़ में जाओ यू समाज और कुल है। तो पुणात्मा नो बना कर बात, फिर वो उपदेश लेकर के सत्संग, क्योंकि परमात्मा आते थे उस नगरी जहाँ वो ब्याह रखी थी, उसका पति मर गया था, वो तो नेक आदमी था पहले, वो उसको मना नहीं करता था, मंदिर में जाती थी, लेकिन उसके देवर ने इस दृष्टिकोण से कति प्रतिबंध ला दिया कि तू घर से नहीं निकलेगी, दुनिया थूकेगी हमारे को कि तुम्हारी भाभी बाहर जाती है, उसका पति सिर पे है नहीं। लेकिन पहले तो मंदिर में जाया करती, फिर वो जान लगी रात ने भी सत्संग में, तो उसको जान से मारने का प्रयत्न किया, विष पिला दिया मीराबाई को उसने, और विष भी पी गई डरती, भाई कोई बात ना, कहता या तो पी लेना तलवार तो काटूंगा, मीरा ने सोचा तलवार से दर्द होगा, विष पी लेती हूँ, मौत तो क्यों करे मारे तो गाय, विष पी लिया न्यू की न्यू बैठी। कहते हैं मीराबाई को मारने लागे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या हो गया सर्द ही यारे। कहा तो वो जहर इतना भयंकर पिला दिया और अमृत जैसा हो गया परमात्मा की कृपा से, नहीं मरी, और भी बहुत से प्रयत्न करे पर वो नहीं मरी। अंत में मीराबाई की माँ को बुला लिया उसने, उसके देवर ने, राजा था वो, और कहा मौसी तुम्हें समझा दे इसने हमारी इज्जत का नाश कर दिया, पहले दिन में मंदिर में जाती थी अब रात ने सत्संगों में जाती है। अब संसारिक लोग तो इतनी ही बात जानते हैं, मीराबाई की माँ क्या कहती है, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग कर तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग कर तकरार, सत्संग में जाना मीरा। अब मीराबाई क्या कहती है, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे, हारी चाहे जड़ के मरो संसार,
सत संग में जाना मेरा ना छुटरी, तेरे सत्संग के राह मैं, थारे सत्संग के राह मैं, आए वाप रहते हैं काड़े नाग, कोई कोई नाग तन डस ले वही, आए वहाँ पर रहते हैं काड़े नाग, कोई कोई नाग तन डस ले वही, जब सतगुरु मारे मेर करेरी, जब सतगुरु जी की मेर होवेरी, आरीव तो सरप गंडे वे बने जाव, सतसंग में जाना मेरा ना छुटेरी, आरीव तो सरप गंडे वे बने जाव, सतसंग में जाना मेरा ना छुटेरी, थारे सत्संग के राह मही, थारे सत्संग के राह मही, आए वाप रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तन खा ले वही, आए वाप रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तन खा ले वही, जब गुरु मारे मेर करेरी, जब गुरु मारे मेर करेरी, हारीव तो शेरों के गिदड़ बने जाव, सतसंग में जाना मेरा ना छुटेरी, हारीव तो शेरों के गिदड़ बने जाव, सतसंग में जाना मेरा ना छुटेरी, थारे सत्संग के बीच में है, थारे सत्संग के बीच में है, आए वाप रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे, आए वाप रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे, तेरे री मन में माता पाप हैरी, तेरे री मन में माता पाप हैरी, संत मेरे माँ बाप हैरी, संत मेरे माँ बाप हैरी, हारी वे तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। अब आखिरी चोट मारे हुआ माँ, वो तो जाते चमार है ही, वो तो जाते चमार है ही, इसमें हमारी हार है ही, वो तो जाते चमार है ही, इसमें हमारी आर है ही, तेरे री लिख माता चमार है री, तेरे री लिख माता चमार है री, मेरा सिर जन आर है री, मेरा सिर जन आर है री, आरी व तो मीरा के गुरु रविदास, सतसंग में जाना मेरा ना छुटेरी, आरी व तो मीरा के गुरु रविदास, सतसंग में जाना मेरा ना छुटेरी। अपनात्मा, इस सतिथि में एक दिन आना पड़ेगा अपने लोक लाज मर्याद जगत की, और तिरण जो तोड़ बगावे, और गुरु जी को जैसे मीराबाई ने उसकी माँ ने आखिरी अटैक कर दिया कि वो तो चमार है बेटी, और हम जो ना बड़े ठाकुर हैं, तब ने बोली तेरे लेख चमार होगा, मेरा तो भगवान है। परमात्मा भी कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, और महादुखी संसार में फिर आग गई उनकी। बोलो सतगुरुदेव।
सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।